लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान होने के बाद अब 6 चरण बाकी रह गए हैं जहां मतदान और होने हैं। आगामी 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर तेजी से चुनाव प्रसार शुरू कर दिया है। मुंबई के बोरीवली में फिल्म अभिनेत्री एवं मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर प्रचार कर रही थीं और इसी प्रचार के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। मिली जानकारी की माने तो उर्मिला की इस रैली के दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी की नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और माहौल पूरी तरह से खराब हो गया। SPN 9 न्यूज रूम से मेघा की रिपोर्ट।